यो व्हाट्सअप गेमर्स, तो क्या हाल चाल है लोगों की। आज हम दोबारा से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में और ये हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड है। तो आज की इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि मेरे पेट्स के पास कोई घर ही नहीं है, तो उससे पहले मैं आपको अपना एक वर्ल्ड का लुक दे देता हूँ, फिर जाऊँगा मैं अपनी कहानी। तो पहले देख लीजिए आप मेरे एक वर्ल्ड का लुक। ये देखिए हमारा क्या क्या है। अरे भाई ये दो चिकन फार्म, ये एग फार्म हमारा, और ये कुछ है अब सरप्राइज। ये है हमारे फार्म्स, ऑटोमेटिक फार्म्स। ये हमारा ट्रेडिंग हॉल जो बहुत भद्दा है, जिसे हम अगले एपिसोड में ज़रूर से ठीक करने वाले हैं। और ये हमारा लावा फार्म जिसे हम अपग्रेड करेंगे। और ये हमारा अंतिम में स्टोन और शुगर कैन फार्म। तो सबसे पहले हमें चाहेंगे थोड़ा सा स्टोन, मैंने इसे कुछ अंदर से कर दिया है। आपको इस पर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट में लिख देना, मैं बना दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कितना हो रहा है, ये कलेक्ट होता जाता है और जितना होता है। और सबसे पहले तो मैं इन दोनों को तोड़ देता हूँ ताकि मैं इसमें स्टोन कलेक्ट कर पाऊँ और अपने एक्सपी फार्म को, क्योंकि मैंने गलती से लालच में आके उस एक्सपी फार्म को तोड़ दिया था। लालच बुरी बला है। तो अब मैं अब दोबारा से उसे मतलब बिल्ड तो कर लिया है वो मैंने, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोबल स्टोन लगेंगे उसमें, तो उन कोबल स्टोन की भरपाई करने जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, ये ऑक्सीडियन जो था इसे मैंने थोड़ा तोड़ दिया है। अब यहाँ पर लगाएंगे एक वन बकेट ऑफ वाटर एंड ब्रेक दिस ऑक्सीडियन। नहीं, ब्रेक करेंगे तो जल जाएगा। पहले यहाँ पे ले सर ग्रास ब्रोक एंड ब्रेक द ऑब्सीडियन। तो इस ऑब्सीडियन को ब्रेक करके पीछे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें हैं मेरी वो पीछे जा रही है, ऊपर में नहीं आ रही है अच्छे से, इसीलिए। और मैं आयरन की इससे करने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं, हो गया हमारा अब यहाँ पर। अब जल्दी से इसे कर देते हैं बंद। अगर आपको बैकग्राउंड में भम भुट हो रहा हो, सॉरी, आज दिवाली है तो ये तो हो गया ही अभी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो सुबह ही कर लिया था। बट मैं जलने वाला हूँ ऐसे, मैं जल जाऊँगा, नहीं जलूँगा। अब मुझे ये तोड़ना है ऊपर जाके, जल्दी से इसे तोड़ दिया मैंने, वो हो गया है। और ये है अभी का हमारा थोड़ा सा केट फार्म का लुक, जो कि बिल्कुल बढ़िया नहीं है। दो ही केट्स हैं यहाँ पे, अब एक तीसरा आएगा। आप कह रहे हो कि भाई आप केट फार्म क्यों बना रहे, क्योंकि अब मैं तीसरे वाले एपिसोड में क्रीपर फार्म बनाने की सोच रहा हूँ। अब क्रीपर फार्म चाहिए नहीं चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं वैसा ही करूँगा जैसी हमारी पॉपुलैरिटी की राय होगी, पुल्स की राय होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले तो मुझे चेस्ट बनाने, एक होपर बना लेता हूँ। ये होपर बना लिया है मैंने, और आज दिवाली नहीं है, आज दिवाली शायद छोटी दिवाली बोलते हैं आज के लिए, यही है आज, इसीलिए हो रहा है इतना धूमधड़। आई हेट दिस पोल्यूशन। आप मुझे बताना आप में से कितने को मतलब दिवाली पसंद है। दिवाली मुझे भी पसंद है, पर ये पटाखे फूटों के फोड़ना मुझे उतना पसंद नहीं लगता है। आप समझ सकते हैं कि मतलब ओ माय डी उस राजकुमारी समझ सकते हैं आप, हाँ मुझे पसंद नहीं है उतना ये। वो इसे ब्रेक करेंगे। आई होप आप इस तरह से भी गेम प्ले इन्जॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने लगाया है ये ग्रास ब्रोक, यहाँ पे लगा देंगे अब अपना ऑक्सीडियन। अब आप कह रहे होंगे कि भाई तेरे पास स्किन कैसे है। हाँ भाई, मेरे पास स्किन भी मैंने की है माइनक्राफ्ट स्टोर से परचेज, उसके लिए अचीवमेंट भी किए हैं और कुछ वो उसमें भी लिए हैं मैंने, तो मैंने वहाँ से ही लिए हैं या फ्री में लिए हैं मैंने। अगर आपको भी चाहिए तो मैं उस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा। और मैंने कुछ इमोट्स भी लिए हैं, इस वाले इसमें तो नहीं बताने वाला हूँ मैं, कल भी नहीं बताऊँगा, हाँ तीसरे एपिसोड में बता दूंगा मैं कि मैंने ये किस तरह से लिया है, तो उसमें देख लेंगे फिर। और सबसे पहले तो कर लेते हैं बहुत सारा काबिल स्टोन जमा। कम से कम आई थिंक हमें लगेगा बहुत सारे स्टेक तो लगी जाएंगे, 6 से 7 स्टेक तो लगी जाएंगे, पर फिलहाल मुझे 5 स्टेक कर लेने हैं। और ये मैंने 5 स्टेक कर भी लिए हैं, आराम से कर लिए हैं मैंने 5 स्टेक। और अब मैं इन 5 स्टेक से जल्दी बनाने वाला हूँ। और यहाँ देखो, मुझे पता है आप में से कितनी ना किसी बंदे ने अनसब्सक्राइब कर रखा है। कौन है वो बंदा जो हमारी डेली वीडियो देखता है, वो अनसब्सक्राइब किया है। भाई सब्सक्राइब कर दो, जाओ अभी जाओ सब्सक्राइब करो जल्दी से, भाई कर भी दो सब्सक्राइब, कितना रुलाओगे बच्चे को। तो जल्दी से पहले इसमें डाल देते हैं अपना अपना ये डाल देते हैं इसमें, जल्दी से स्टोन डाल देते हैं ताकि ये मेरे इसको अपग्रेड करें। वैसे मैंने तो लावा लाया है वहाँ से, पर उससे धीरे धीरे अपग्रेड होता है, कोर से फास्ट अपग्रेड होता है। और ये देखो मैंने बो डाल दिया था गलती से अपना, ये बो है ना जो, तो जल्दी से अब। और आपको एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, आपको ऐसी वीडियोज़ भी चाहिए मतलब कि बेस्ट इंचेंटमेंट फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, बेस्ट इंचेंटमेंट फॉर ग्ला ग्ला ग्ला, मतलब कुछ भी समझ लो किसी भी चीज़ पे बेस्ट इंचेंटमेंट,
चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप बता देना, मैं बना लूँगा। वैसे में कोई बात नहीं, अगर पीपल उसकी राय रही कमेंट्स में, वैसे मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए खास करके आकाश भाई के लिए, जो मुझे एक बार कहा था उन्होंने कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी उसका जिक्र किया है कि आप कर सकते हैं आप कमेंट्स ऑन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो ये है हमारा फार्म, ये करता रहेगा वर्क। उससे पहले मैं ले देता हूँ आराम से एक नींद और अब चलते हैं भाई नेदर, नेदर में लगेंगे हमें बकेट ही बकेट, बकेट ही बकेट, बकेट ही बकेट, बकेट ही बकेट। तो लेदर में तो कोई कमी ही नहीं है, कमी ही नहीं है। अगर आपको कोई फार्म बनाना है तो आप लावा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लावा तो अनलिमिटेड होता है माइनक्राफ्ट में, अगर आपने नेदर पोर्टल बना लिया तो बिल्कुल। तो आई थिंक आपने दो स्टेक नहीं ले जाने हैं, दो स्टेक ज़्यादा हो जाएंगे, 16+10, हाँ 16+10 ले जाने, मैंने 16 ही ले गए था मैं अभी। अरे भाई मैं बीच बीच में गढ़वाली भी बोलने लग जाता हूँ, गलती से, कोई बात नहीं, वैसा होता रहता है। और भाई इसके लिए कृपया करके मुझे क्षमा करना, क्षमा करेंगे ना आप, मेरे सब्सक्राइबर बहुत दयालु हैं, क्षमा करेंगे मुझे। और ये रहा मैंने आपके लिए एक, ये भी दे दिया लावा बकेट का दान, अब तो आप क्षमा कर देंगे मुझे। और एक और ले लो लावा बकेट, और ये डाल दी मैंने इसमें लावा बकेट, ये फुल कर दिया मैंने लावा बकेट से। बाद में मैं जब माइनिंग पे जाने वाला हूँ बहुत तगड़ी, तो डायमंड्स भी मिलने वाला है मुझे और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, और वो भी होने वाला है एक सीक्रेट, तो उसे भी कर लेंगे बाद में आपके साथ शेयर। तो सबसे पहले तो ये रख लेते हैं इसमें, और इसे भी ले लेता हूँ यहाँ से, और इसे ऊपर डाल देता हूँ जल्दी से, क्योंकि अच्छे से अगर करेंगे तो अच्छा ही रिव्यू मिलेगा, जितना अच्छा ही करेंगे। पहले तो ये एक बार करना था, जब मैंने इसे लास्ट टाइम ब्रेक किया था तब एक बार करने से ये करता था, आई थिंक एक बार किया था मैंने तो इसमें किया था 25, हाँ अगर आप एक बार करोगे तो लेवल 25 तक था ये अपग्रेड हो रखा, लेवल 25 तक ले जाता था एक बार अगर मैं करूँ, लेवल 25 तक, आई थिंक लेवल 24 से 25 तक इतना अपग्रेड था मेरा फार्म पर, अब डिसग्रेड हो चुका है। और ये मैंने इसमें कुछ टॉर्चेस लगा दिए हैं अपने ओपी से, ओपी से क्यूब फार्म में टॉर्चेस लगा दिए हैं, कैसा लग रहा है अब ये तो अभी बहुत बड़ा होगा। ऊपर मैं एक्सोलोटल रूम भी बनाने वाला हूँ जो कि अब बहुत ज़्यादा ही ओपी होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी, पहले तो मैं सोच रहा हूँ इन कैट्स के साथ तो मज़ा ही आ गया यहाँ पे, तो इन्हें तोड़ लेते हैं अपनी कैट्स अंदर आ जा। इनका नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट इन द बॉक्स। और ये देखो, ये देखो मेरे भाई ऊपर देख, देख मेरी शक्ल भी तेरी तरह है, तू मुझे मारेगा, अपने भाई को मारेगा तू, और मारो उसे। अरे भाई मैं तो अपने साथ तीर ही लाना भूल गया, खत्म भाई, वो तो ऊपर आ रहा है मुझे मारने के, और मैंने इसकी हत्या भी कर दी है। और अब देखो मैं जा रहा हूँ शील्ड लगा के दोनों क्रीपर्स के पास, क्रीपर्स नहीं स्केल्टन, स्केल्टन के पास जाने वाला हूँ मैं, और दोनों के दोनों स्केल्टन, और ये मेरा थॉन्स का कमाल, थॉन्स नहीं किया सबसे पहले इसे लेते हैं खोपचे में, जो मेरी स्वॉर्ड है वो मैक्स इंचेंट तो नहीं हुई है शायद से, क्योंकि एज 3 भी इसके लिए एक बुक होती है जो कि सिर्फ वीसी पे अवेलेबल होती है, पॉकेट एडिशन पे अवेलेबल नहीं होती है, यानी जावा एडिशन पे वर्क ही करता है। और जहाँ तक देखा जाए स्वीपिंग एज और जैसी कुछ भी चीज़ें तो नहीं है पॉसिबल, पॉकेट वाले एडिशन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ, अपनी सारी की सारी जितनी भी मेरे पास है उतनी सेंड को रख देता हूँ इसमें, और ये पिला देता हूँ ताकि मुझे कांच मिल जाए, और जिससे कि मैं अपने एक्वेरियम में ऐसा डेकोरेशन और ऐसा और भी काम चीज़ें मैं ला सकता हूँ। तो आप में से बहुत सारे बंदे कह भी रहे थे कि भाई जब आपके पास इतना ओपी फार्म है तो ये फार्म क्यों है यहाँ पर, इसका एक रीज़न था भाई कि ऐसे ही मैंने ये रख दिया था, तो मैंने उसे तोड़ दिया बाद में, डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब मैं इसने मतलब अपने इस पर आ जाता हूँ और इस पर कार्य करने लग जाता हूँ, जो मेरा एकदम मतलब इस वीडियो का पूरा गोल ही था। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो है कि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि फिर मैं आ जाता हूँ अपने सेंड कलेक्ट करने के लिए, और फिर मैं अपने वर्ल्ड से पूछता हूँ कि भाई इतनी कम सेंड क्यों है इस वर्ल्ड में, तो देखो वर्ल्ड क्या जवाब देता है। तो फिर मैं वर्ल्ड को इग्नोर कर देता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड भी बहुत गुस्सा हो रखा था कि मेरी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था अपना एक्वेरियम, और फिर जब मेरा एक्वेरियम बन के तैयार होता है तो वो दिखता है कुछ ऐसे। तो कमेंट में लिख देना कि आपको मेरा एक्वेरियम कितना सही लगा और कितना गलत लगा।
अगर बहुत सही लगा हो, तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या बुरी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो अगर आपने इंजॉय किया हो। अगर आप इंजॉय नहीं किया तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर आपके लिए हमेशा से एक सरप्राइज, आई लव यू। तो मिल जाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ख़त्म हो गया, स्टॉप वीडियो यहीं पे। अरे भाई बहुत हो गया, यहीं पे वीडियो स्टॉप होगी, चाहे जो हो जाए, चाहे ऑडियंस कुछ भी बोले, पर हम ऑडियंस की सुनेंगे। तो देखिए इसका एक छोटा सा टाइम लैप्स, प्यारा सा टाइम लैप्स। हाँ पीछे से थोड़ा टूटा फूटा है, इसे मैं कर लूँगा सही। तो देखिए इसका थोड़ा सा हल्का सा टाइम लैप्स दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमारी सीरीज़ में बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट में आप बता सकते हैं कि मैं क्या करूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी फॉर्म बना सकता हूं, कुछ भी ऑटोमेटिक फॉर्म बना सकता हूं, मिक्स ट्राई कर सकता हूं। बताइए मुझे इन कमेंट्स।